सारा पता वा यार जो कोरीडोर खुलना इस गल के भुक करा के कलैश करा दो साल तो कोरीडोर बंद सी कोरोना की वजह करके संगतां हर साल दर्शन कर जांदियां ने करतारपुर साहब सो साडी बेनती नूं स्वीकार किया नरेंद्र मोदी जी ने कोरीडोर खुलने की खुशी दे विच असीं सेंटर का धन्नवाद करते हैं नरेंद्र मोदी जी का धन्नवाद करते हैं कुछ कांग्रेस के गुंडे जिहड़े आके माहौल नूं खराब कर रहे हैं उन्होंने असीं कामयाब नहीं होण देंगे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जी बेनती स्वीकार की जी। बीजेपी शुरू तो ही इदां दे कोई ना कोई स्टंट मारती आ रही है भी ये किसानां दे हुण तक जख्मां दे उत्ते लूण छिड़कदी आ रही है और अज सानू नहीं हुण तक पता भी ये किहड़े बीजेपी जिंदाबाद दे इत्थे आ के नारे ला रहे ने किस खुशी विच लड्डू वंड रहे ने और किस दे करके इत्थे कैंडल मार्च कर रहे आ पर जो शुरू तो ही ऐलान किया हो साडे संयुक्त मोर्चे ने किसानां ने भी बीजेपी का पूरे भारत दे विच पंजाब दे विच किते भी कोई प्रोग्राम नहीं होण देणा उस ही आपसी फैसले नूं कायम कर दिया जिथे भी बीजेपी का विरोध किया गया और उन्होंने इस जो उन्होंने मार्च चल रहा सी उहदे चो भजाया गया। बीजेपी आगू कह रहे हैं कि करतारपुर कोरीडोर खोलिया गया वा बड़ा इतिहासिक फैसला किया गया जो कि नामलेवा संगत जिहड़ी आ लगातार मंग कर रही सी इहदे विच कोई सियासी काम ते है नहीं भी क्यों किसानां विरोध किया गया जिहड़ी पार्टी कर रही आ उह ते सियासी आ ते जे करना ही आ ते इह ते पंजाब दे विच काम हो रहा ते इहदा ते कांग्रेस पार्टी भी क्रैडिट लै सकदी आ अकाली दल ने भी उन्ना जोर लाया आम पार्टी ने भी उन्ना जोर लाया एक बारी जदों आ के मोदी जी उद्घाटन कर चुके ने यह तो सिर्फ एक सियासी स्टंट आ भी दोबारा लांघा खुल रहा तो असी फिर लड्डू बन रहे हैं पर एक पास इन्होंने दूजे पास ये नहीं लभ रहा भी जेड़े किसान पिछले एक साल के उपरों अपनी बरूहों पर बह के दिल्ली दियाँ इन्हों के बूहे अगे बह के हक मंगन गए ने उत्थे शहीदियां भी हो रहे उन्होंने शहीदियों के उत्ते लड्डू बन रहे हैं यह सिर्फ किसानों के सारे ही प्रोपोगंडे के पिछे इन्हों की सियासत आ और अपना सियासी ग्राउंड बनाने लोगों की फीलिंग्स अपने वाल करन दे विच ध्यान करन दे विच सारे इदां दे ड्रामे कर रहे हैं। बीजेपी आगुआं दा कहना हैगा कि इह जिहड़ा जिहदा कह रहे केंद्र सरकार भी कह रही सी अकाली दल भी कह रहा सी कांग्रेस भी कह रही सी लांघा खुल्ला चाहिए लेकिन खोलना तां केंद्र ने सी ना इसलिए केंद्र ने लांघा खोल्या गया इसलिए लड्डू वंडे जा रहे सी। स्टेट कित्थे पैंदी आ पंजाब स्टेट पैंदी आ पंजाब दे विच गवर्नमेंट किहदी आ कांग्रेस दी तो फिर इतने किसी भी एम एल ए ने जां किसी भी कैबिनेट मंत्री ने तो इदां दे कोई लड्डू नहीं वंडे आ के उन्होंने ठीक आ सवेर के साडे इत्थे सी एम चन्नी साहब आए ने उन्होंने दिनी अपने कांग्रेसी केडर नूं ऐलान किया भी तुसीं लड्डू वंड के खुशियां मनाओ सगों इन्हां नूं शर्म आनी चाहिए आ पंजाब दे नूं भी सब तो वड्डा अंदोलन पंजाब दे विच चलदा पिया जे बीजेपी कह रही आ भी किसानां दे हक विच आ ते फिर लड्डू किस गल दे लांघा खुलना चाहिए क्योंकि जेड़े साडे धार्मिक स्थान पाकिस्तान दे विच हैगे आ इह बड़े लंबे समय तो मंग सीगी साडी गुरु नानक देव संगतां दी जेड़े नतमस्तक होण जांदे ने गुरु नानक देव जी दे चरणां दे विच उहनां दी वड्डे पग पद्धर दे उत्ते मंग सी बड़ा वधिया कदम आ भी जिहड़ा लांघा खुल्लिया पर इस दे उत्ते सियासत करन लई लड्डू वंडणे और पहलां ही किसानां ने बाईकाट कीता होया बीजेपी दा और उहदे विच अपना फेर सियासी स्टंट मारने इह उस गल दा विरोध आ। ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਂਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਚੱਲ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
बस जो कोरीडोर खुलन के हुक्म होया संबंध च इन्होंने बीजेपी वालों लड्डू वंडे जा रहे थे तो जो दूसरी पार्टी है गल का विरोध करती किसान यूनियन के जोड़े नौजवान है इस करके इन्हों की आपस के तकरार हुई। बिल्कुल जी शांत है, कोई गल नहीं गई जी, हम आम की तरह हो गया सब कुछ।